बाहर में टेम्परेचर हेलो एवरीवन एंड नमस्ते यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू के द सेलर। आज का ये जो वीडियो है ये एक लास्ट वीडियो है फ्रॉम माय शिप, फ्रॉम द शिप सीएमएससी जीएम लॉयर का ये लास्ट वीडियो है ऑन बोर्ड का। तो इसके बाद जो है फिर मेरा साइन ऑफ वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस यही शो किया है अपने शिप का फैन रूम, और वहाँ का क्लाइमेट कुछ ज़्यादा ही ठंडा था, -3 -10 में चल रहा था, तो वही सब शूट करके मैं दिखाया आप लोग को। तो जस्ट एंजॉय करिए, ओके। फैन रूम स्टारबोर्ड साइड, यहाँ पे मैं और सुरेश हैं। बाहर का टेम्परेचर -3 है। बहुत कोल्ड है। अभी जस्ट क्लीन किया है फैन रूम, क्योंकि इंस्पेक्शन होगा। तो ये है फैन रूम्स, सी मैं इसको अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और ये स्क्रबर का लाइन जा रहा है, आई थिंक एग्जॉस्ट है स्क्रबर। ये पहले नहीं था, ये पूरा फिटमेंट अभी नया हुआ, ये पूरा ये पहले नहीं था, ये स्पेस पूरा एम्प्टी था, खाली था इस पोर्शन। और ये फैंस है, ये इंजन रूम में बाहर से सक करके हवा को 1 2 3 सक्शन लेकर बाहर से इंजन रूम में भेजते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से कि विंड नॉइज बहुत ज़्यादा था, तो और मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा था, GoPro नहीं है ये, मोबाइल से शूट कर रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये विंड नॉइज वगैरह सब नहीं हो पाया, और मैं ज़ोर से बोल भी नहीं पाया, और मेरा मोबाइल वो कैप्चर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी मैं यही बात बोल रहा हूँ, ये देखो ये 4 साइड का फैन रूम है, यहाँ से निकलने के बाद मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ,
देखते हैं क्लैरिटी कैसा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स नहीं रहेगा ये बोल के, और अगला वीडियो मैं पोर्ट साइड या उस तरफ जाके शूट करूँगा, ऐसे ही कुछ है। ओके सो अगला वीडियो ऐसा बोला हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। सो हे देयर, मैं फिर से आ गया और अभी स्टार्बोर्ड साइड में खड़ा हूँ, हाथ जम रहा है, इतना ठंडी है, -3, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई एम इन -3 ऐसे कंडीशन में। कल रात को तो सेलिंग में -10 तक चला गया था ऐसा कह रहे थे लोग, तो देखो कैसे पानी में से भाप निकल रहा है। कैन यू इमेजिन कितना ठंडी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि पानी गर्म हो गया है बट ये पूरा ठंडा है। आई डोंट नो पानी का टेम्परेचर अभी कितना होगा, लेकिन बहुत ठंडा है और दूर दूर में पहाड़। सो लैंड नजदीक है इसकी वजह से थोड़ा आसिक नहीं है। तो अभी मैं पेंट स्टोर जाऊंगा पेंट रखने के लिए, तब और शूट करूँगा। ये पेपर एंड कार्डबोर्ड, ये भी ग्लास बॉटल्स, ये प्लास्टिक बॉटल्स, ये तो पार ही के लिए, और ये है गार्बेज रूम। रोशन इसमें क्रश करता है, यू नो दिस इज द क्रशिंग मशीन, इससे क्रश करते हैं और पूरा कॉम्पैक्ट होता है, ये जितना साइज फुला फुला रहता है वो पूरा कॉम्पैक्ट करके फिर उसको बांध के बाहर डस्टबिन में डालता है। ओके सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो गया बट एनी हाउ थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आगे और भी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। आई डोंट नो इफ आई एम एंटरटेनिंग यू नॉट एंटरटेनिंग यू, गिविंग सम इंफॉर्मेशन और समथिंग लाइक दैट मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, बट स्टिल आई एम पोस्टिंग माई ऑल ऑफ माई वीडियोज़। हाँ मैं उतना खुल के कहीं कहीं पे लाउड में नहीं बोल रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जैसे कहीं ये इसी वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं इसी वीडियो में मैंने वो फैन रूम था, बहुत ज़्यादा साउंड था और मैं मोबाइल से शूट किया था, मैं GoPro नहीं ले गया था, तो मोबाइल से शूट किया, फिर भी मुझे ज़ोर से बोलना था और मैं वहाँ पर ज़ोर से बोला नहीं। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा, आगे के कई वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें मैं काफ़ी स्लोली बोला हूँ, तो आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस एंड आई विल डू इट। तो प्लीज़ ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, एंड आगे और भी वीडियोस आने को है, आई विल पोस्ट वन बाय वन। सो पहले मैं 2 वीडियोस पोस्ट करता था इन अ वीक, अब मैं 3 वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ डू एन्जॉय, प्लीज़ शेयर द कमेंट्स, एंड काफ़ी लोग हैं, मैं उसमें जाके देखता हूँ एनालिटिक्स एंड ऑल, तो उसमें मैं देखता हूँ काफ़ी लोग अनसब्सक्राइब्ड लोग जो हैं वो ज़्यादा चैनल देखते हैं मेरे, और जो सब्सक्राइब्ड हैं वो कभी कभी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल उन अनसब्सक्राइब्ड लोगों से भी मैं यही हाउ टू से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग देख रहे हैं देखिए, आपको लाइक इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट डिसलाइक इट, एंड प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा क्या आपको पसंद आया क्या नहीं आया, उसके हिसाब से ही फिर मैं आगे का अपना सुधारने को देखूंगा, क्योंकि अब तक जितने भी कमेंट्स आए हैं तो कुछ पहचान लोगों के हैं और कुछ ऐसे ही रैंडम हैं जो अच्छे लगे, तो दैट्स इट। उसके अलावा मेरी गलतियाँ मुझे नहीं पता चल रही कि मैं वीडियो में क्या गलत कर रहा हूँ या क्या चीज़ करने से और अच्छा लगेगा वीडियो का, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा और क्या एडिटिंग स्किल्स, वो तो खैर मैं देख लूँगा, बट मैं जितना हो सके एडिटिंग प्लेन क्लीन एंड क्लियर एकदम, मतलब ज़्यादा तड़क भड़क ना करके एकदम प्लेन मोड में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सिंपल वे में अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा भी और कुछ चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लाइटिंग, अभी फ़िलहाल मैं किचन की लाइट से कर रहा हूँ, तो लाइटिंग का थोड़ा सा थोड़ा कमी है कमरे में, एज सुन एज़ आई विल सेट अ लाइट
ताकि वो फुल फोकस रहे अच्छा, और बैकग्राउंड काइंड ऑफ थिंग जिससे थोड़ा डार्क मोड ज़्यादा ना दिखे, ऐसा चीज़ मैं करने को देखूँगा। और आई विल ट्राई माई बेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियोज़, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। ये वॉच करने पर ही मुझे सपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इससे पता चलेगा कि मेरे वीडियोज़ देखे जा रहे हैं या एनीथिंग लाइक दैट। इससे यूट्यूब भी हेल्प करता है आई गेस, कि मैं जितना भी अग्रेसिव वीडियोज़ पोस्ट करूँगा उसके हिसाब से आप लोग तक पहुँचाने का। सो एनी हेल्पफुल या एनी इन्फॉर्मेटिव लगे ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ भी करिए कमेंट्स लेकिन करिएगा ज़रूर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई चैनल, विजिटिंग माई चैनल। एंड एज ऑलवेज आई से कीप रॉकिंग, रब रखा, टेक केयर, बाय।